अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइबोनाची सीक्वेंस या फाइबोनाची नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये नंबर्स होते क्या हैं? तो ऐसे सीक्वेंस जिसमें पहले दो नंबर्स 1 1 हों और उसके बाद जितने भी नेक्स्ट नंबर्स हैं प्रीवियस टू का सम हो, उस सीक्वेंस को हम फाइबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे मैंने दो नंबर्स लिख दिए 1 1, तो अभी से नेक्स्ट क्या होगा 1 + 1 2, एंड द नेक्स्ट इज 1 + 2 3, एंड नेक्स्ट विल बी 2 + 3 5, and next will be 3 + 5 8, and so on। ऐसे numbers जो हैं इनको आज हम इसका algorithm बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं इस code की तरफ। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें पहले दो terms define करनी पड़ेंगे, that will be f1, तो f1 is 1, similarly f2 is also 1। अब बाकी जो next terms है वो हम जो एक for loop है उसके ज़रिए generate करेंगे। तो let's say for i is equal to 1 to n से हमने n टर्म्स तक जनरेट करना है। तो चूंकि हमने दो टर्म्स को पहले डिफाइन कर लिया है, इसलिए यहाँ पर i है उसके इंडेक्स 1 की बजाय हम 3 से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वेल भी इसकी हम पेयरिंग कर लेते हैं फॉर लूप की, तो ये एंड हो गया। अब जो नेक्स्ट टर्म्स होंगी फाइबोनाची सीक्वेंस की, वो उसका फार्मूला होगा सिंपल कि fi = fi - 1 + fi - 2, यानी कि जैसे जो पिछली दो टर्म्स हैं उनको जस्ट हम ऐड कर लें तो हमारे पास फाइबोनाची सीक्वेंस का जो प्रिंट है वो बनता जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो एन लिखा है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स तक हमें फाइबोनाची सीक्वेंस के एलिमेंट्स चाहिए, तो इसको एन को आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं या आप यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं। लेट्स से हम इसे इनपुट ही कर लेते हैं ताकि एक जनरल प्रोग्राम बन जाए। तो एन इज इक्वल टू इनपुट एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ फाइबोनाची सीक्वेंस, और नंबर्स एक ही बात है, इक्वल एंड सप्रेसर। अब आगे चलते हैं इसको प्रिंट करने की तरफ कि जो फाइबोनाची सीक्वेंस को हमने प्रिंट कैसे करना है। तो उसके लिए आप सिंपल कमांड डिस्प यूज़ कर सकते हैं, एंड द नेक्स्ट विल बी एफ इनवर्टेड कॉमा। मैं चूंकि हमेशा जो रिज़ल्ट है उसे कॉलम में डिस्प्ले करवाना पसंद करता हूँ ताकि ईजिली पढ़ा जा सके। अगर आप रोवाइज करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू। तो ये हमारा एक छोटा सा कोड बन गया, और आप इसको रन करके देखते हैं। एंटर द नंबर ऑफ टर्म दैट विल बी 8 फॉर एग्जाम्पल। तो दिस इज़ आवर रिजल्ट 1 1 2 3 5 8 13 एंड 21। और अगर आप गौर से देखें तो यही हमने ऊपर भी लिखा हुआ है। इस तरह मज़ीद भी बना सकते हैं। अगर इस छोटे से प्रोग्राम में अगर मज़ीद कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको जवाब भी इंशाल्लाह उधर कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू।